धड़कनों में तेरे गीत हैं लिखे हुए, क्या कहूँ के शर्म से है लब सिले हुए। सुबह की खूबसूरती का एहसास दिख ही रहा होगा आपको बैकग्राउंड। बस कुछ दिन और, अभी नवंबर चल रहा है और नेक्स्ट मंथ दिसंबर, फिर उसके बाद कोहरा ही कोहरा, पूरा कोहरा मच जाएगा। और अभी टाइम हो रहा है 8:10, फिर ऐसी धूप कभी देखने को मिलेगी। दिस मंकी एक पेड़ में चढ़ गया, ये बच्चे वाला अपने छाते से चिपकाए हुए, ठंडे लग रही होगी। ये गया, एक तो पेड़ में चढ़ा पड़ा है और वो गया, इतना मस्त ये तोड़ दिया इन्होंने। मैं अभी जंगल टहलने आया, आज संडे है तो मॉर्निंग वॉक, सोचा आज सिर्फ वॉक करेंगे, आज रनिंग की छुट्टी, तो आज ऐसे ही चप्पल में ही आ गया। तो चप्पल में आज ऐसे वॉक करेंगे और आज ऐसे ही दिखाएंगे आपको जंगल का। तो रोड कुछ ऐसी है, पत्थर पत्थर वाली, ये फूल मस्त रखते हैं ना, जंगली फूल। भाई साहब खूबसूरती तो इसे कहते हैं, एकदम शानदार व्यू, माइंड ब्लोइंग है ना, ये एकदम सपनों का शहर। तो यार अपने यहाँ उधम सिंह नगर खटीमा, छोटा शहर लेकिन दमदार शहर, यहाँ ठंड सी महसूस होने लग गई है और रोंगटे भी खड़े होने लग गए हैं आजकल इस ठंड से। तो आप भी बताइएगा आपके यहाँ कैसी ठंड हो रही है या नहीं हो रही है, यहाँ तो महसूस होने से लग गई है। वाह यार पत्ते गिरते हुए कैप्चर नहीं कर पाया, बहुत ही अच्छे लग रहे थे, ऊपर से पत्ते गिर रहे थे, एक कैप्चर हो जाता ना बड़ा अच्छा लगता, मस्त लग रहा था। तब तक चलते जाओ। ये सामने क्या है पता है, मुझे भी नहीं पता, ये मिट्टी का बना हुआ, पता नहीं कैसे बन जाते हैं। और एक आगे भी है मिट्टी का बना, ये नज़दीक से दिखाता हूँ आपको, ये मिट्टी कैसे बन जाते हैं यार जंगलों में, पता नहीं कैसे बन जाते हैं, कहते क्या है इसको, ये देखा होगा अक्सर आपने अगर कभी जंगल घूमे होगे तो। ये जंगलों के बीच एकदम फ्रेश ऑक्सीजन, मैं अब तेरो बह गयू, तेरी माया से गयू, तेरी मिठी चुई पत्यो माँ। ये दुधिया जाता हुआ दूध लेके जंगलों से, आगे और भी घर है ना जंगलों में रहते हैं कुछ, वहाँ पर दूध लेने जाते हैं। और ये पेड़ झड़ा हुआ है, देखते हैं इसका टूटा हुआ, आंधी आई होगी, भूकंप भी आता है आजकल, शायद उससे झड़ गया हो, ये पहले से झड़ा हुआ है, भूकंप का झड़ा हुआ नहीं है ये। दिस झूला भी झूल सकते हैं लग रहा है इसमें, देखेंगे झूल के, ओ ओ ओ ओ झूल सकते हैं भैया, हिल रहा है बहुत ज़्यादा, ओ गिरे 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 गिरे। तो चलते हैं झूले का मज़ा, इतना खास नहीं है, डिसबैलेंस हो रहे हैं झूले में, संतुलन बिगड़ रहा है। पहले ना ऐसे बहुत झूलते थे ऐसे झूले, झूलों में जहाँ भी ऐसे पेड़ झड़ा हुआ दिखता ऐसा झुका,
झुका हुआ दिखता है उसमें सीधे डट जाते हैं। ये देखो गाइस, जानवरों के कारनामे। शायद जंगली जानवर सुअर ही करता है ऐसा, गड्ढे अड्ढे खोदता है। खोदते हुए तो नहीं देखा लेकिन वही करता है ऐसा। ये गड्ढे बनाए गए हैं जानवरों को पानी पीने के लिए। ये गड्ढा ये है और आगे भी हैं कुछ, तो यहाँ पानी पीते हैं गड्ढे में सुअर लोग, जंगली जानवर। बढ़िया बेहतरीन व्यवस्था बनाई गई है मस्त जानवरों के लिए। और दिखाता हूँ आपको गड्ढा नज़दीक से, इस तरीके का गड्ढा बनाया गया है। ये जानवर भी अपने जंगल की ओर रवाना होने लग गए। ये जंगल, ये और वो आगे भी हैं। ये पीछे पीछे क्यों आ रही मेरे? इसकी सिंग देखो गाइस कैसी है, कितनी खतरनाक सी लंबी सी। ये शुक्रिया है। और अपन तो अब निकलते हैं घर की ओर। तो गाइस आज का मॉर्निंग वॉक इतना ही, और अभी मैं जा रहा हूँ घर। वैसे आज न्यू एक्सपीरियंस रहा झूला झूलने का, जो कि पहले कहीं भी ऐसे मिल जाता था ना तो ऐसे झूला झूलने लग जाते थे, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही मॉर्निंग वॉक, और मोहब्बत दीजिएगा वीडियोस को, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।